आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस को देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। फंक्शंस हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कभी कभी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड ऐसे होते हैं जिसको हमें बार बार कॉपी करना पड़ता है और हम इस केस में चाहेंगे कि हम उस लॉजिक को सेपरेट कर दें। तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ लॉजिक का काम है वो फंक्शंस के द्वारा जावास्क्रिप्ट में किया जाता है, और उसी के साथ साथ हम अलग अलग पैरामीटर्स को देकर, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं फंक्शन के, अलग अलग पैरामीटर्स फंक्शन को सप्लाई करके अलग अलग तरह का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि चार नंबर्स का एवरेज निकाले। हम वो चार नंबर्स अलग अलग सप्लाई करके अलग अलग आउटपुट उस फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स है जो कि इनपुट लेता है और उसके बाद कुछ आउटपुट देता है उस इनपुट को एनालाइज करके। ऐसे में प्रोग्रामर्स के लिए बहुत आसानी होती है क्योंकि वो एक फंक्शन को एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट कर सकते हैं अगर किसी दूसरे इंसान ने फंक्शन लिखा है तो। आप लोग कन्फ्यूज मत होना क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और फंक्शन की बेसिक्स को समझेंगे और देखेंगे फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। हम लोग फंक्शंस को समझेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फंक्शंस जैसी चीज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो यार, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो देर इज़ अ चांस कि उसमें कुछ चीज़ें रिपीटेडली यूज़ होंगी। जैसे कि मान लो कि मुझे एक नंबर को एक नंबर में जोड़ना है और ऐसा काम मुझे 10-15 बार करना है अपने प्रोग्राम में, तो आई एम बेटर ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन। मैं उस लॉजिक को सेपरेट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। अब रिपीट करना तो आसान होता है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं सिर्फ एक जगह कर सकता हूँ अपने उस फंक्शन में। अब ये चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है तो समझो, मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा इस चीज़ को। मान लो मुझे दो नंबर को सम करना है चार बार। एक बार मुझे सम करना है ए और बी को, फिर बी और सी को, फिर सी और ए को। तो यहाँ पर मैं लेट ए इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ और लेट सी इज इक्वल टू मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब अगर मुझे यहाँ पर सम करना है, मान लो मुझे लिखना है सम ऑफ ए एंड बी इज, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ और ए प्लस बी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। और ये काम मैंने जैसे ही किया तो क्या होगा कि ए प्लस बी प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं चीज़ों को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ना एवरेज कर देता हूँ, सम की जगह एवरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सम तो बहुत ही बेसिक होता है, तो मैं एवरेज ऑफ ए एंड बी कर देता हूँ, फिर उसके बाद सी एंड बी कर देता हूँ। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर अभी इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो बहुत ही बेसिक सी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ए प्लस बी बाई 2 प्रिंट हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ए प्लस सी बाई 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल थी और इसमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसका आउटपुट गेस करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मान लो कि मैं ये काम बार बार कर रहा हूँ, मैं ए प्लस बी बाय 2 कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हो सकता था कि मैं कुछ इस तरह से करूँ कि ए प्लस बी बाय 2 करूँ और इसमें 1 भी जोड़ दूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। मान लो मैं 1 प्लस एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस एवरेज निकालना भी बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर मान लो 1 प्लस एवरेज, यानी कि एवरेज में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर 2.5, 3.5 और 3 प्रिंट होना चाहिए। अभी यहाँ पर 2.5, 3.5, 3 प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लॉजिक को मैं सेपरेट कर दूँ क्योंकि मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बार बार नहीं लिखना चाहता, 1 प्लस ए प्लस बी फिर डिवाइडेड बाई 2 दो ब्रैकेट लगाऊँ, तो मैं इस लॉजिक को सेपरेट कर दूँगा और मैं क्या करूँगा कि फंक्शन में डाल दूँगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को करके बताऊँगा, उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे। मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 1 प्लस ए प्लस बी बाय 2 के बाद प्रिंट करूँ कि डन। ठीक है, जैसे ये काम हो जाता है मैं प्रिंट करना चाहता हूँ डन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग डन। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पर तो मैं लिखूंगा नहीं, मुझे ये चीज़ यहाँ भी लिखनी होगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं हर कंप्यूटेशन के बाद डन प्रिंट करूँ, तो मुझे 3 जगह करना पड़ेगा। अगर मेरा ये कोड 30 बार यूज़ हो रहा है तो मुझे 30 जगह करना पड़ेगा। ठीक है, बट फंक्शन की सहायता से हम ये चीज़ सिर्फ एक बार कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को लिखने का कोड कुछ इस तरह से, फंक्शन बनाने का कोड, और 1 प्लस ए वी जी नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ और दो नंबर्स लूँगा ए एंड बी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा 1 प्लस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है,
और मैं ना इसको आप लोग के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक्स और वाई कर दूंगा, ठीक है, एक्स और वाई कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये एक फंक्शन बन चुका है अभी ये, ठीक है। मैं इस फंक्शन को एट द टॉप रखना चाहूँगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, ठीक है। अब ज़रा नोट्स में आ जाते हैं और पढ़ लेते हैं कि किस तरह से फंक्शन काम करता है। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि पर्टिकुलर टास्क करता है। सिंटेक्स ऑफ फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखो, इसके बाद कोड लिखो, जब भी इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तब जाके चलेगा ये, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। आप विनोद फंक बना सकते हो, एक कुछ भी नाम रख सकते हो, कहने का ये मतलब है यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है, ठीक है, कॉमेडी के लिए नहीं लिखी है, इसलिए लिखी है बताने के लिए, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, ये पैरामीटर्स हैं फंक्शन के और पैरामीटर्स को आप यूज़ कर सकते हो। पैरामीटर्स फंक्शन बॉडी के अंदर लोकल वेरिएबल्स की तरह बर्ताव करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग फंक्शन को इन्वोक कर सकते हो और फंक्शन का कोड चल जाएगा। इस केस में मुझे वन प्लस एवरेज को कुछ इस तरह से चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये काम करूँगा तो वन प्लस एवरेज प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 2.5, 3.5 और 3 सेम आउटपुट रहा। क्यों रहा सेम आउटपुट? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम लॉजिक रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वन प्लस एवरेज बी और सी प्रिंट कर दूंगा, या बी और सी प्रिंट कर दूंगा, या सी और ए प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ए और सी, सॉरी, ठीक है। तो मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आउटपुट मेरा बिल्कुल सेम रहेगा, 2.5, 3.5 और 3, ठीक है। अब मान लो मुझे इसको इन्वोक करने के बाद डन प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डन लिख दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखने यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ तो डन, वन प्लस एवरेज ऑफ ए एंड बी इज दिस, फिर डन, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर डन, फिर ये प्रिंट हुआ। तो मैं कुछ भी करना चाहता हूँ अगर, तो सिर्फ एक जगह चेंज करना होगा मुझे और वो सारी जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो किसी ने कह दिया कि वन प्लस एवरेज को आप राउंड ऑफ करके प्रिंट कराओ। अब अगर मैंने वन प्लस एवरेज का लॉजिक 50 बार लिखा हुआ है तो 50 बार राउंड ऑफ करूंगा मैं, 50 जगह अपने प्रोग्राम में चेंज करूंगा क्या? नहीं। अगर मैंने फंक्शन बनाया हुआ है तो मुझे बस फंक्शन के अंदर चेंज करना होगा और ये चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चेंज एक बार करो और सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाए, ये फंक्शन आपको कन्वीनियंस देता है। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि यार इसमें आप इसको राउंड करो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर राउंड करने का लॉजिक लगा सकता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में राउंड करने का लॉजिक कुछ इस तरह से होता है, मैट डॉट राउंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर 3, 4 और 3 प्रिंट हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ, 3, 4 और 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग राउंड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। बट हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे अभी, ज़्यादा टेंशन लेना मत इन सब चीज़ों की। मैं जस्ट आप लोग को बताना चाह रहा था, फंक्शन का पॉइंट समझाना चाह रहा था, क्यों बनाते हैं फंक्शन को, ठीक है। सो यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, विनोद फंक 7, 8 किया, तो 7 और 8 जो है क्या होता है कि कॉपी हो जाते हैं एज लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर और इस फंक्शन के विद इन यूज़ होते हैं। इस केस में क्या होगा, ए और बी मैंने दिया तो 1 और 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, 1 कॉपी हो जाएगा एक्स की जगह पर, 2 कॉपी हो जाएगा वाई की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2 के हिसाब से होगी, ठीक है। और ये जैसे ही रिटर्न करेगा वैल्यू को, इस जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2.5, 3.5 और 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बी और सी के लिए क्या होगा कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, फिर यहाँ पर 1 + 5/2 हो जाएगा, तो ये 3.5 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली 3.5 यहाँ पर रख दिया जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर ए एंड सी, 1 और 3 की वैल्यूज एक्स और वाई में कॉपी हो जाएंगी। फिर क्या होगा, 1 + 4/2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ फंक्शंस वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, फंक्शन इन्वोकेशन इज अ वे टू यूज़ द कोड इन साइड द फंक्शन। अगर मैं फंक्शन को इन्वोक ही ना करूँ, यूज़ ही ना करूँ, तो फंक्शन जस्ट पड़ा रह जाएगा मेरे कोड में, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा मेरा कोड, कुछ यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कोड में। फंक्शन को अगर ऐसे ही बना दिया आपने अगर, तो वो रन नहीं होगा, आपको इन्वोक करना पड़ेगा इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। क्या ज़रूरी है कि आपके फंक्शन में पैरामीटर्स हों? नहीं। आप एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बना सकते हो जो कि सिर्फ हेलो प्रिंट करे, ठीक है। और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोग को अभी देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आकर आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप लोग कुछ इस तरह से फंक्शन बनाते हो तो ये भी एक करेक्ट सिंटेक्स है। आप देखो यहाँ पर किस तरह से फंक्शन बना हुआ है सम का, तो मैं सम का एक फंक्शन बनाकर आप लोग को दिखाता हूँ एक नए तरीके से। तो मैं लिखूंगा कौन सम इज इक्वल टू, इसको एरो फंक्शन कहते हैं और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया
और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा ए प्लस बी या फिर पी प्लस क्यू। मैं ए प्लस बी भी लिख सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं ए और बी यूज़ नहीं कर सकता, बट जस्ट आप लोग की कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ 9 and 7 तो 16 प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है 16 प्रिंट हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन को बनाने का। क्या फंक्शन बिना आर्ग्यूमेंट के बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ फंक्शन हेलो या फिर कॉन्स्ट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन। मैं ये वाला तरीका प्रेफर करूँगा क्योंकि आधुनिक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का तरीका है, ठीक है। तो हेलो इज इक्वल टू ये लिखा मैंने और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग हे हाउ आर यू आई एम तो फाइन यार, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, इसको रन किया, अरे हे हाउ आर यू आई एम तो फाइन यार प्रिंट क्यों नहीं हुआ? आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कहीं इन्वोक ही नहीं किया, मैंने कभी कॉल ही नहीं किया इस फंक्शन को, तो मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा हेलो को कुछ इस तरह से। ये सिंटेक्स है एक फंक्शन को कॉल करने का जो कि बिल्कुल भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर ये वैल्यू रिटर्न करता भी होता तो मैं यहाँ पर दे देता इसके पैरामीटर्स। अब जो हेलो फंक्शन है वो ना ही तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है और ना ही कोई वैल्यू लेता है, तो इस तरह का फंक्शन भी बनाया जा सकता है। इस तरह का फंक्शन भी बनाया जा सकता है कि जो वैल्यू लेता हो और रिटर्न कुछ ना करता हो। इस तरह का फंक्शन भी बनाया जा सकता है जो वैल्यू ना लेता हो लेकिन फिर भी रिटर्न करता हो। तो ये आप लोग जो है रिटर्न कीवर्ड के थ्रू वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हो। और अगर एक कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर हेलो लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये रिटर्न कर रहा होता कुछ इस तरह से, रिटर्न हाय, मान लो ये रिटर्न कर रहा होता हाय, और मैं यहाँ पर लिखता लेट वी इज इक्वल टू हेलो, तो वी के अंदर क्या आ जाता, हाय आ जाता, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग वी करूँगा तो हाई प्रिंट होगा, आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर हाई प्रिंट हो गया। तो जो भी चीज़ रिटर्न होती है ना वो इसके अंदर आ जाती है, इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाती है, तो वी की वैल्यू हाई हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, हमने एक एरो फंक्शन बनाया, हमने एक पुराने जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन बनाया। ये भी चलता है आज की जावास्क्रिप्ट में, लेकिन हम लोग इस तरह के सिंटैक्स को प्रेफर करेंगे आने वाले वीडियोस में और अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में। मैं तो यार इसी तरह के सिंटैक्स को प्रेफर करता हूँ, तो चाहता हूँ आप भी इसी तरह के सिंटैक्स को प्रेफर करें। इसे एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और नोट्स में मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने सम 1-3 करके आपको दिखाया कि ये चीज़ 4 प्रिंट का दिया, तो ये सिंटेक्स मैंने यहाँ भी लिखा है और एप्लेट में भी लिख दिया, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि फंक्शन समझ में आ गए आप सब लोगों को। एक बार समराइज़ कर देता हूँ, फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिक को सेपरेट रखने के लिए। अगर कोई भी काम आप ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप लोग को बार बार शायद चेंजेस करने पड़े, एक कोड आपका 50 बार यूज़ हो रहा है आपके कोड में, 50 छोड़ो 6 बार भी अगर यूज़ हो रहा है, तो आप 6 जगह चेंजेस ना करके 1 जगह चेंज करना चाहेंगे और ऐसा आप लोग फंक्शन की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। एरो फंक्शन के बारे में हम आने वाली वीडियोस में और पढ़ेंगे, लेक्सिकल दिस क्या होता है, एरो फंक्शन की कुछ डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लेवल को बढ़ाया जाएगा। ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, गारंटी दे चुका हूँ इस बात की। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.